जो काम माली भाई का होता है ना वो डक्स करती हैं गार्डन में। अब ये सौरा का सौरा जो इतना भी घास एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना वो खा रही हैं। और यहाँ से सुबहान इनके ऊपर कर रहा है बारिश। देखो यार इनको इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना, ये समझ रही हैं रियल बारिश हो रही है। वैसे आज मौसम भी बहुत मस्त बना हुआ है, काले काले बादल है भाई, कभी भी बारिश आ सकती है। बंटी जरा बंटी जरा सुबहान इसको नहला दे यार, इतना गंदा हुआ हुआ है। और ये देखिए कोकियों के काम देखिए, इसको भी नहला दे। बंटी के साथ दोस्तों हम फिल्म करने वाले हैं, मैं इसको ना कोई चीज दिखाता हूँ, ये खाने आएगा सुबहान इसको नहला देगा। बंटी इधर आ, नीला नीला नीला, ओ दोबारा भाग गया। बड़ा शरारती है मामू की तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? कम जंप, वाओ यार तुम ना मेरे कपड़े ना खराब कर दिया करो, ठीक है? इस वाली कैट ने शायद बाहर आना है, कैट को पता नहीं है, ये बड़े बदमाश खड़े हैं, ये काट लेंगे उसको। यहां से मैंने दरवाजा खोल दिया, अब कैट आएगी बाहर और ये बदमाश कैट को पड़ जाएंगे। सुबहान ख्याल रखना, जब ये काटे ना तो पकड़ लेना। कोको दोस्तों कैट के पीछे लगा हुआ है, ये देखो, देखते हैं ये क्या करता है कैट के साथ। मुझे तो लग रहा है प्यार कर रहा है, काट कूट नहीं रहा, उसको चाट रहा है, साफ सुथरा कर रहा है। हाँ फिर भी दोस्तों हम ध्यान रखेंगे, ये कुछ भी कर सकता है, कोई इतबार नहीं है कोको पर। कैट और बंटी दोस्तों आमने सामने खड़े हैं, पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। तुम दोनों ने बिल्कुल नहीं लड़ना, ठीक है? इधर आओ तुम कैट, इधर आओ। बंटी तुझे नहीं बुलाया, तू उधर हो जा, चल यार। उली यार जिमी से तो मिले यार, काफी दिनों जिम्मी से मिले नहीं, यही दिखाई जा रहा है, यही दिखाई यार गोश्त खा रहा है। मामू जिमी कहाँ गोश्त खाता है ख्याल से? ओए ओए मामू, उसके कैट इस खड्डे के अंदर बैठी थी, आपने पांव दे दिया, देख के चलो। चला यार गोश्त इतना खाया हुआ क्या करूँ, वजन हो गया। जिमी दोस्तों मेरे पास आ चुका है, इसे मैंने ईद भी नहीं मिली, आज इसे ईद मिलते हैं। ओए तू कहाँ पीछे घुस रहा है? असल में ना यार ये मामू से बहुत ज्यादा डरता है, देखो मामू इधर आएंगे। जिमी उसके पार्टनर को ना हनीमून पे भेजते, हनीमून पे क्या मतलब, हनीमून पे क्या मतलब, सैर करने जाएंगे हनीमून पे। मामू डरा हुआ है, आप दूर हो जाओ, आपसे वैसे बहुत डरता है। अच्छा हाँ जिमी तूने जाना है हनीमून पे? बोल, नहीं जाता, आपकी हर बात उल्टी होती है। आप उसकी बात तो सुनो, आपने सुनी नहीं हो, पहले भाग गया। आप सबको पता है सिम्बा को हमने ज़िबा नहीं किया, लेकिन जिमी को यही पता है वो ज़िबा हो चुका था, तो अभी हम इसको बता ही देते हैं यार। हाँ जिमी तेरा जो पुराना दोस्त है ना मिनी ज़ू वाला, वो जिंदा है और कल तुझे मैं राइड करवाने वाला हूँ। ओए बदतमीज की पोटी निकल गई, तू उसे पकड़ के खड़ा हो, वो दे वो दे, पोटी लिए खड़ी है। ओ यार नहीं निकली मामू, पेपर लगाया नहीं, कर पेपर लगा के क्या, दो पेपर मुंह में ले लिए इसने। मामू जिमी कहाँ पेपर लगाता है? हाँ मैं रात को लगा के जाता हूँ यार इसको पेपर। ओ भाई साहब बंटी तो पागल है दोस्तों, इसने ना इस कैट को ना अच्छे से डराया हुआ है, वो देखो। अब पता नहीं कैट के साथ क्या करना चाहता है। कोको तू हट जा हट जा हट जा, इस बिचारी छोटी सी कैट को ना बहुत ज्यादा डरा रहा है, कैट के साथ खेल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। कैट को मैंने अपने हाथों में उठा लिया है, इसको ना वापसी अपने घर में रख देते हैं, नहीं तो बंटी इसको बहुत ज्यादा तंग करता है। ओ नहीं नहीं तुम आपस में खेलो, इससे ना खेलो। अंदर जाके देखो मामू क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, ओ बोली तो इसके तो छिपकली आ गई, छिपकली आ गई। पागल हो मामू, पता नहीं ये आई कहाँ से है डाइट में, शुक्र है किसी पेट ने नहीं खा लिया इसको। डर भी साथ लग रहा है यार, ये ना मामू ले आया तो मामू आपके ऊपर जाएगी। नकली है यार, इतना बंदा भोला भी ना हो, जब वो हिली नहीं रही नकली है ना, क्या करूँ, भोली मिल गई थी भोला हो गया यार, क्या करूँ। खा लो यार मेरी बात तो सुन, सारों ने पेट भर के डाइट खा लिया यार, तो मैं क्या करूं, मुझे पता है सबको, मैंने खुद तो डाली है। ओह यार मेरे अंदर भी डाल यार। मामू ये पेट्स की डाइट आप क्यों खाना चाहते हो यार, गोश्त खा के दिल करे चावलों के ऊपर भी डाल के खाऊं यार। यार पता नहीं मामू कोई चीज नहीं छोड़ते, अब जो पेट्स की डाइट थी जो डॉग्स की डाइट थी वो बोले थोड़ी बच चुकी है, अब मैं खाता हूँ। आप भी खाओ, आप भी खाओ। मैं नहीं खाता, आप ही खाओ। अच्छा यार ये बिग ज़ू का पूल काफी दिन से ना दोस्तों बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, बर्बाद हुआ पड़ा है, इसको हम जल्दी जल्दी बनवाते हैं यार। यहाँ फिर हम फिशेज भी और वाटर वाले ना परिंदे भी लेके आ सकते हैं इधर, अब जल्दी काम करना है बस, क्योंकि ईद चली गई, ईद की थोड़ी मसरूफियात थी, अब हम अच्छे से अपना बिग ज़ू दोबारा बनवाएंगे। मामू अभी तक चावल खत्म नहीं हुआ आपके? यार ये कुछ बच गया, मैंने कहा लैक्सी को जाके डाल के आऊं, लैक्सी को। हाँ लैक्सी को खिला दो, वैसे नजर नहीं आई कल से, सामने तो बैठी है वलीद भाई। चलो ठीक है खिला दो। कंट्रोल रूम में भी हमारे काफी सारे पेट्स छुपे हुए हैं, ये देखो मोरो ने ना ये अपना घर बना लिया कंट्रोल रूम को, मजे करो मजे करो, इतना बड़ा रूम तुम्हारे लिए है अभी, जब तक और एनिमल्स नहीं आ जाते। यार वलीद भाई मैं तो कहता हूँ यहाँ पर ना इनके लिए बहुत सारे मोर लाओ।
बहुत सारे। ओए ओए ये क्या हो गया? ओए ये क्या हो रहा है? ओए ओए क्या हो रहा है मामू? उसने पाँव दे दिया और लेक्सी लेक्सी उसके ऊपर पाँव दे दिया यार। ओए तड़प रही है मामू, लेक्सी तड़प रही है। ओए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए सारे यार, लेक्सी को कुचल दिया यार। पकड़ो 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 इनको, पकड़ो 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 यार, सारे एनिमल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मामू उसको कुचल रहे हैं यार, रोको उनको। पहले उनको तो पकड़े, इधर आओ दोस्तों, इनको रोकना होगा यार, ये एनिमल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। लेक्सी पता नहीं वहां कैसे चली गई है। पकड़ो 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 इनको, किसने खोला है यार? तुम क्या कर रहे हो? इनको भी नहीं संभाल सकते, हम तो मोड़ देख रहे थे, पता नहीं था लेक्सी कुचल देंगे। पकड़ 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 वो बतख, वो बतख को कुचल दिया यार। मामू लेक्सी जिंदा है ना? लेक्सी जिंदा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इनको उस साइड पे बांध करो, साइड पे बांध करो, मैं लेक्सी को देखता हूँ। लेक्सी बहुत यार, क्या हो गया तुझे? मामू आप इसको नहीं संभाल सके यार, क्यों किया? खाना देने लगा सारे यार, दिल पर सारे इसके ऊपर चढ़ गए यार। लेक्सी टकपाले चलते चलते सुबह इधर भागे भागे इधर आ, इनको पकड़ के रख, इनको ना छोड़ना अली मेरे भाई। ओए यार ये आउट ऑफ कंट्रोल है भाई, समझ नहीं आ रही। इसको उठाओ उठाओ उठाओ, डॉक्टर के पास ले चलो। लेक्सी को हमें ना इमरजेंसी डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। सांसे खोल जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ यार आगे जाके। भाग रहे यार, इसको इमरजेंसी डॉक्टर के पास अभी अभी लेके जाना होगा, शायद इसकी जान बच जाए। लेक्सी तुझे कुछ नहीं होगा। दोस्तों हम गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ सांसें। अभी सांसें हैं पर अभी सांसें बच सकती है मामू, बच सकती है। जल्दी कर यार, ये सारा आपका कसूर है। मेरे अगर कुछ हुआ ना इसको, मैं आपको पकड़ लूंगा। मैंने कहा कि मेरे खुद बचाया, हम उसको अच्छे से खाना नहीं दे सके यार। अभी तो डॉक्टर के पास है, चलो पैर तुझे पड़ी है। चलो यार बस जल्दी से निकलते हैं, स्टार्ट हो जा जल्दी यार। चलो चलो, तुझे कुछ नहीं होगा, तू आंखें खोलो। लेक्सी क्या हो रहा है मामू? मेरी हालत नहीं देखी जाती, तू डॉक्टर के पास चल यार। बस होती जा रही है दोस्तों, हम बहुत ज्यादा तेजी में जा रहे हैं, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचना है। लेक्सी का बता, पानी पिला और पिला, पानी पिला उसको और पिला। मामू यार टेंशन ना लो, मैं पहुंचा दूंगा टाइम पे। क्या हो रहा है यार, मेरे से ये बयान नहीं किया जा रहा। क्या बयान नहीं किया जा रहा? क्या पागल हो गया क्या? बस कैसी बातें कर रहा है यार? पुलिस लेक्सी दम तोड़ चुकी है। क्या मतलब यार, पागल कैसी बातें कर रहा है यार? झूठ नहीं बोल रहा मामू, पागल। मैं अभी उसको खाना खिला रहा था यार, वो खा रही थी मेरे हाथ से यार। झूठ नहीं बोल रहा, उसकी गर्दन वाली साइड पे टांग लगी है, बेचारी अभी तड़प चुकी है यार। गाड़ी साइड पे लगा यार, गाड़ी साइड पे लगा। दोस्तों हम हिम्मत हार चुके हैं, अपनी तरफ से तो हमने बहुत ज्यादा कोशिश की, हम पहुंच जाए डॉक्टर के पास। दिल तो करे मैं खाई में डाल दूं गाड़ी, आपको नहीं छोड़ूंगा मामू, आपकी गलती है। क्यों गए यार, मुझे क्या पता था, मैं खाना डाइट देने गया था, खा रहा था। दिलबर को तो मैं बाद में पकड़ूंगा, दिलबर की गलती नहीं है, दिलबर भी बेजुबान है, उसको क्या पता वो लेक्सी काट लेगी, इसी वजह से मामू वो तड़पा होगा। हमारे पास कुछ चारा नहीं है इसको दफनाने के अलावा, यहीं कहीं ना हम दफना देते हैं, क्योंकि ये जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। हमने तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की है, अब कोई अच्छी सी जगह ढूंढो, यहाँ दफना दो। चलो यार उलीद। ओए लेक्सी कितनी प्यारी डॉग थी यार ये, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा लेक्सी को अपने आप से दूर करूं। कम टाइम में इसने अपने लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा जगह बनाई है। लेक्सी को दफनाने हम पहुंच चुके हैं, मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है, देखो मेरे कपड़े मिट्टी मिट्टी, बहुत भागे हैं भाई आज। वो लेक्सी बच जाए, जैसे कैसे हम इसको बचा सकें, लेकिन हम इसको नहीं बचा सके। आ जा सुबह ले आ, क्या हो गया यार? दोस्तों हम सब बहुत ज़्यादा सैड है, ये हमारा ना बहुत दिल वाला पेट था। चलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता यार बलीद भाई, ये छोड़ के चली गई है हमें। लेक्सी उठ जा लेक्सी, ले आओ यार इसको। लेक्सी को दफनाते हुए ना मेरे से बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, मैं तो पीछे पीछे रहता हूँ, मामू वाले ये काम कर ले। मामू और सुभान लेक्सी को दफनाने निकल चुके हैं, बिल्कुल अचानक हुआ यार, बिल्कुल कल ठीक थी ये, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा अचानक से। अचानक वाली मौत जो होती है ना वो दिल को बहुत सदमा देती है।
एक तो पता हो वो बीमार है, चलो वो हो गया बीमारी की वजह से, लेकिन ये बीमारी नहीं थी, इसको कुछ भी नहीं था यार। जब मैं ले आया था मैं इसके साथ था, और जब ये जा रही है मैं तब भी इसके साथ ही रहूंगा। चलो मामू दफना दो यार। वली कैमरा बंद कर यार, यार बहुत बुरा वक्त है यार, कैमरा बंद कर यार। कुछ नहीं होता मामू, ना सैड यार, बंद कर लेक्सी के लिए हमने यहाँ गड़ा कर लिया है, अब इसके ऊपर ना मिट्टी डालना बाकी है, फिर ये हमारी नजरों से बहुत दूर चली जाएगी। ये चल डाल दो यार, मेरे से नहीं देखा जा रहा। लेक्सी को तो हमने दफना दिया, अब हम जा रहे हैं वापसी अपने जू। यार मेरी बात तेरी वजह से हुआ यार, आप उसकी मौत के हकदार हो। तूने उसका घर ही नहीं बनाया यार, तूने ऐसे बिठा दिया, छोड़ दिया ऐसे जगह जगह वो बैठ रही है। उसका घर प्रॉपर होता वो घर के अंदर होती ना यार। मैं तुम्हें अब क्या दिल तो करते हैं आपको, हम क्या कह सकते हैं, बड़े हो ना इसी वजह से बच गए। मैं जा रहा हूँ यार, मैं कल तुम लोगों को छोड़ूंगा ही नहीं। मैं आप गलत बंदे हो, हम नहीं बोलते आपके यार। मैंने क्या किया दोस्तों, मुझे तो पता ही नहीं था अचानक से ऐसा हो जाएगा कि दोनों मेरे से नाराज हो गए। मैं खुद भी इतना ज्यादा सैड हूँ, क्या बताऊँ आपको।